नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे, जो आपके पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। उससे हमारा हर शाम 9 बजे आर्मी का लाइव क्लास होगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने सभी दोस्तों के साथ ही वीडियो को शेयर कर, ताकि हमारा 9 बजे वाला लाइव क्लास में बहुत सारे लड़के लाइव जुड़े। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना किस टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लास्ट जो आपसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्था कहां पर स्थित होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका मुंबई दिया गया है, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी बेंगलुरु। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्था जो होता है वो आपका बेंगलुरु में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि By whom was the Maratha defeated in the third battle of Panipat, यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताना है कि पानीपत का तीसरे युद्ध में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए। तो देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, कब हुआ था, 1761 में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है, जिसमें आपका अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठा का हार हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन भी काफी बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा चुका है। क्वेश्चन पूछा है कि हु रोट द रामायण बुक, यानी कि रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आज मैंने वैसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया। तो जल्दी से बताइएगा, रामायण ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिएगा, रामायण ग्रंथ जो लिखा गया है आपका महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन बनता है कि रघुवंशम मेघदूत पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो रघुवंशम और मेघदूत पुस्तक जो होता है आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया, और महाभारत और गीता जो होता है आपका वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी सेंट्रल कैबिनेट, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट या ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिएगा, भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति जो किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड, यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो होता है आपका श्रीहरिकोटा में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए, इसरो का मुख्यालय कहां पर होता है, तो इसरो का मुख्यालय जो होता है आपका बेंगलुरु में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मैकमोहन लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी कि देखिए क्वेश्चन बोला है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच में स्थित होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका चीन है, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो देखिएगा, मैकमोहन रेखा जो होता है आपका भारत और चीन देश के बीच में लगा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए, रेड क्लिफ रेखा जो होता है आपका भारत और पाकिस्तान देश के बीच में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। और डुरंड लाइन जो होता है आपका भारत और अफगानिस्तान देश के बीच में होता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स गैप ओलंपिक गेम हेल्ड, यानी कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। देखिएगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है आपका 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किया गया था, तो आपका एथेंस में आयोजित किया गया था। कहां पर? एथेंस में आयोजित किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। कब किया गया था? तो आपका 6 अप्रैल 1896 में किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड, यानी कि माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित होता है, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और मैं आपको एक बात बोल देता हूं, आज मैंने जो क्वेश्चन लिया टॉप 21 क्वेश्चन लिया जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा चुका है, सिर्फ मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का टेस्ट लिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो, क्योंकि देखो मेरे दोस्त, मेरा 12 मिनट का वीडियो होता है, ऊपर से आप पूरा नहीं देखते हो, तो वीडियो को पूरा देख लिया करो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आज आपका ओरिजिनल पेपर का टेस्ट है, तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। तो देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित होता है, तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो होता है आपका नेपाल में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर
आपका 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 मार्च, ऑप्शन सी 5 मई या ऑप्शन डी 5 जून। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को, और 10 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, टॉपिक किस क्वेश्चन होगा, बहुत शानदार आपका टेस्ट होगा, वीडियो को पूरा देखना है और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिए भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, और 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिस्पांसिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का जिम्मेवार था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन बंगाल विभाजन का जिम्मेवार था। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन जो था आपका बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेवार था। कब हुआ था बंगाल विभाजन, तो आपका 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो आपका कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की, और 12 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा चुका है। क्वेश्चन पूछा है कि विच द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो होता है आपका सहारा डेजर्ट होता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की, और 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको बताना है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो देखिए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी आपका श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, और 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा आ चुका है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो होते हैं आपका रविन्द्रनाथ ठाकुर होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, और 15 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, यानी कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो भारतीय सिनेमा के जनक जो होते हैं आपका दादा साहेब फाल्के होते हैं, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की, और 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच रिवर इज कॉल्ड द रिवर ऑफ ऑयल, यानी कि किस नदी को तेल नदी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना कि किस नदी को तेल नदी कहा जाता है। तो देखिए तेल नदी के नाम से जाना जाता है आपका नाइजर को जाना जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, और 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताना। क्वेश्चन पूछा है कि विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन, यानी कि सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर कमेंट करके। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की, और 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स लोकेटेड, यानी कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर स्थित होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका न्यूयॉर्क है, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लंदन या ऑप्शन डी जेनेवा। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है, और मैं आप सभी फौजी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर दो मेरे दोस्त, बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो जाकर के प्लीज एक एक लाइक करो, बहुत अच्छा लगता है, तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो। तो देखिए रेड क्रॉस का मुख्यालय जो होता है आपका जेनेवा में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेयर इज द इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, यानी कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहां पर होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका हैदराबाद, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी नासिक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो होता है आपका नासिक में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की, और 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखा गया है, आपको बताना कि प्रसिद्ध ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखा गया। तो देखिए पवित्र ग्रंथ यानी कि प्रसिद्ध ग्रंथ जो गीता होता है आपका महर्षि वेदव्यास को द्वारा लिखा गया, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक एक लाइक कर देना है, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है, और हर शाम 9 बजे हमारा आर्मी का रात को लाइव क्लास होता है, तो अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।